बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामिन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। आप हमारा YouTube चैनल हमारा पाकिस्तान देख रहे हैं। नाज़रीन, आज हम आपको सरगोधा की सरज़मीन पर माल्टे के बाग में आपको माल्टे की वैरायटी दिखाएंगे। सामिन हज़रात, अब हम को दिखाएंगे कटिंग कैसे की जाती है माल्टे की। ये देखें, ये भाई काट रहे हैं, कैमरामैन तनवीर भाई आपको दिखाएंगे। ये चार भाई हैं जो कि इसको बड़े ही महारत और फन के साथ इसकी कटिंग कर रहे हैं। ये जिसका काम उसी को साजे, बहुत ही पेचीदा काम है इसको कैंची के साथ काटना। ये बड़ा ख़ास कटर होता है, उस कटर के साथ ये भाई माल्टे की कटिंग कर रहे हैं और आप नाज़रीन देख रहे हैं। नाज़रीन, आप गौर से देखें कि किस तरह आप जो माल्टे खाते हैं, कितना ही मुश्किल और पेचीदा काम है। बड़ी जस्तजू के साथ ये भाई कटिंग कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ये भाई एक सीढ़ी लगा के खड़े हुए हैं ताकि जो ऊपर का जो माल्टा है या ऊपर पे जो माल्टे लगे हुए हैं वो आसानी के साथ काटे जाएं और उनको वो पैक कर सकें। बड़ी ही महारत से माल्टे की कटिंग कर रहे हैं यहाँ पर मज़दूर जो हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से ये कटिंग कर रहे हैं। आप देख रहे हैं इनको, कैंची ये देखें, ये स्पेशल एक आला है, कटर इसको कहते हैं, जिससे माल्टों की कटिंग की जाती है ताकि हाथों पर कोई तकलीफ़ ना पहुंचे, इसलिए इसके साथ इसकी कटिंग की जाती है। ये झोली है, आप देख लें इसको, तभी रहमान दिखा फोकस कर। ये देखेंगे नाज़रीन, आपको ये माल्टे कटे हुए हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसकी कटाई की गई है। देखें, इसको टहनी के साथ काटा गया ताकि ये तरोताज़ा रहें, क्योंकि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पिशावर, मुल्तान और तकरीबन पाकिस्तान के तमाम सूबों में, तमाम इलाकों में, गली गली, नगर नगर सरगोधा का जो मशहूर माल्टा है वो 36 पीस वो इस पल्ली में बांधेंगे और ये जाकर मार्केट में बिकेगा। अगर आप देखें तो ये बड़ी ही नफासत से इसकी कटिंग की जाती है, फिर कटिंग के बाद इसको बड़े ही खूबसूरती से पैक किया जाता है। ये देख लें। वालेकुम अस्सलाम जी भाईजान, आपका नाम? मोहम्मद कालू। मोहम्मद कालू इस भाई का नाम है, उर्दू है। चले खैर है, तो सां कितने अरसे था काम करने पे हुए? 3 महीने ठीक है सा कोई था यहां भाई को, ठीक है तकरीबन 3 महीने। ते वैसे तो गौरसा कितना थे गए काम में, माल्ट दे काम में? तकरीबन 2010 में शुरू की थे काम सा। भाई का कहना है कि 2010 से ये माल्टे की कटिंग, माल्टे की पैकिंग और माल्टे का सारा काम अच्छी तरह सर अंजाम दे रहे हैं। जिसे चाह दर पे बुला लिया, जिसे चाह अपना बना लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। ओ खाली न मोड़ी तै बाद सैया, खाली न मोड़ी तै बाद सैया,
जग छड़ के सारा ओए तेरे दर ते आया, दर छड़ के सारा ओ तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले, कोई उवैसे ते कोई बिलाले, तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले, कोई उवैसे कोई बिलाले। बाद ये भाई उनको अलग कर रहे हैं, जो पैकिंग होती है वो 120, 100, 80, 60, 48 और 36 दानों पर मुश्तमिल है। मुख्तलिफ हिस्सों में इसको डिवाइड किया जाता है, उसके बाद इसको पैक करने के बाद पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भेजा जाता है, ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी। पाकिस्तान कि आप कितने अरसे से यहाँ पर काम कर रहे हैं? तकरीबन सर 7-8 साल से। आमिर भाई 7-8 साल हो गए हैं यहाँ पर, मुख्तलिफ बागों में जाकर ये काम करते हैं और उस पर ये तनख्वाह लेते हैं। अच्छा आमिर भाई, ये 48 का 20 है, इसका क्या फ़र्क होता है 48-36? ये सर साइज़ का फ़र्क होता है और इसमें रेट का भी फ़र्क आ जाता है, क्योंकि ये जो 36 है इसका अलग रेट है, 48 है वो अलग रेट है, 60 है वो अलग है, 80 का अलग है, 100 का अलग है, यानी कि मुख्तलिफ रेट होते हैं। जैसे सैद का फ़र्क आ जाता है, इसी तरह रेट का भी फ़र्क आ जाता है। आमिर भाई का कहना है कि ये 48, 36, 24 ये साइज़ का फ़र्क है। बहुत अच्छी तरह और उसकी छटाई होती है, और दाना 48 का भी होता है, 60 का भी होता है, 36 का भी होता है, 80 का भी होता है, 120 का भी होता है, उसकी छटाई अच्छी तरह होती है। वजीर साहब का कहना है कि कटिंग की जाती है, कटिंग के बाद एक जगह पे इकट्ठा होता है माल, उसके बाद उसको मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। 120 की पैकिंग अलहदा होती है, फिर 100 दाने की पैकिंग होती है, फिर 80 की होती है, फिर 60 की होती है, फिर 48, इनकी 48 दाना, और उसके बाद 36 दाने जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट माल होता है, वो 36 दानों में पैक होता है, और साथ 24 में भी बाज़ औक़ात पैकिंग की जाती है। जो 36 का दाना होता है वो पाकिस्तान से दूसरे ममालिक में भेजा जाता है, जिससे हमारे पाकिस्तान की जो तिजारत है उसमें खामखा इजाफा होता है। सर आपका नाम? इरफान अकरम गुराया। इरफान अकरम गुराया इनका नाम है। सर आप कितने साल से इस बाग की देखभाल खुद कर रहे हैं? सर मुझे तो 3-4 साल हो गए हैं, पहले वाले साहब करते थे, वो वफात पा चुके हैं, उसके बाद मैं खुद कर रहा हूँ। अच्छा आपके नज़दीक ये बताएं कि आपको कितना फ़ायदा मिलता है, या जिसको आप बेचते हैं उसको इस बाग से कितना बेनिफिट मिलता है? सर ये होता है फल लगने का, जितना ज़्यादा फल लगा होगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट होगा। चलें जी, इनका कहना है कि जितना फल होगा मुनाफा उतना ही ज़्यादा होता है।